आदमी करते वो अलग बात है, पर जो स्कीमों को लेकर चर्चा में आया रहता हूँ राजनीतिक तौर से चर्चा में इसलिए आ गया, सरकार गिरा नहीं पाए अमित शाह जी और मोदी जी, उसके बाद में राजस्थान का और जो है देश के अंदर वो बहुत अलग ढंग का बन चुका है देश के अंदर, क्योंकि सब सरकारें गिर गई, मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, कर्नाटक गिर गया और यहाँ नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किसको दिया, यहाँ की जनता को दिया है। अगर जनता हमारे खिलाफ होती, अगर जनता का रुख हमारे साथ नहीं होता उस वक्त में आधे एमएलए निकल जाते हैं। एमएलए भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता का मूड देखता है। नंबर दो, अगर मैं लोभ लालच होता 10-10 करोड़ में मिल रहे थे, 10 करोड़ में कौन छोड़ना चाहेगा। आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि करप्शन बहुत किया, बहुत आसानी आरोप लग सकता है, किसी भी लग सकता है। आरोप आजकल तो जमाना आरोप हो है, परंतु आरोपों को लगना अलग बात है और वास्तविकता अलग बात होती है। अगर ये करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपये इनको ऑफर हो रही थी पहले, जब गवर्नर साहब ने रेट दे दी ऐसे बुलाने की, तो रेट बढ़ गई इनकी 10, 20, 30, 40, बोलो क्या करना आपको। वो तीन चार लोगों की जरूरत थी उनको, टच एंड गो मामला था। पर आप देखिए कितनी बड़ी गुडविल थी सरकार की और किस प्रकार पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था। एमएलए को टेलीफोन आ रहे थे, अगर आपको 6 महीने रुकना पड़े होटल के अंदर आप रुकिएगा, सरकार किसी कीमत पर नहीं गिरनी चाहिए। टच एंड गो का मतलब समझ गए आप, मामूली सा अंतर था। उस वक्त में सरकार ने बचाई है। आज रात में सुनता हूँ प्लेटफॉर्म पे जो डिसीजन होते हैं सत्य हिंदी और सबके, वो रात में चले इसीलिए करते हैं, सरकार बच कैसे गई यहाँ पर। जब महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, कॉमर्शियल कैपिटल है देश की, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर है, सरकार नहीं बचा पाए। कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई, 15 साल के बाद में सरकार बदली, गिरा दिया गया। और राजस्थान की सरकार नहीं गिरी, आज मैं खुद चर्चा में हूँ देश के अंदर, मेरी सरकार चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में, राजस्थान की कांग्रेस इसीलिए चर्चा में है। और कैसे रहता है यहाँ की जनता को, आम जनता को, ये जनता बदला लेके रहेगी बीजेपी से, जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया है।